हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नारियल के लड्डू। जिसके लिए मैंने ये वाली एक कटोरी नारियल लिया, ये डेसिकेटेड कोकोनट है। इसके अंदर सेम क्वांटिटी एक कटोरी दूध, इसको भिगो के 15 मिनट के लिए छोड़ दें। सेम कटोरी से आधी कटोरी बारीक वाली सूजी नाप लें और उसको भी इसके अंदर भिगो दें। डेसिकेटेड कोकोनट और सूजी, इन दोनों ने दूध को बहुत अच्छे से पी लिया। अच्छे से अब इसके अंदर मॉइस्चर आ गया। अब हम इसको पकाएंगे लो फ्लेम पर। अब ये थोड़ा मिश्रण गाढ़ा होने लग गया तो इस स्टेज पर हम इसमें खोया डाल देंगे। अब इसके अंदर ये 100 ग्राम खोया डाल दें, ये भी साथ ही सिक जाएगा। इसमें छोटी इलायची भी डाल दें। मिश्रण ने पैन छोड़ दिए, अब गैस बंद कर देंगे हम। थोड़ा सा इसका ठंडा होने का वेट करेंगे, फिर इसमें स्वादानुसार चीनी डालेंगे। मिश्रण को एक थाली में निकाल लें जिससे जल्दी ठंडा हो जाएगा। मिश्रण छूने लायक हो गया। अब इसके अंदर स्वादानुसार आधी कटोरी पीसी हुई चीनी डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। सारी चीजें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसके लड्डू बनाने शुरू करते हैं। शानदार नारियल के लड्डू बनकर तैयार है। नारियल के लड्डू बनकर तैयार है। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और दीपावली पर बनाएं और मम्मी पापा की रसोई को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।
आज हम बनाएंगे मूंग दाल बर्फी। ये धुली हुई मूंग की पीली दाल है जिसको मैंने 3 घंटे के लिए अच्छे से सोख कर दिया। सोख करने के बाद फ्रेश वाटर से धो के इसको ड्रेन कर दिया। अब सबसे पहले हम इसको पीसेंगे। पीसते समय ज़्यादा पानी का उपयोग ना करें, अगर हो ऐसे ही पीस जाए तो अच्छा, नहीं तो चम्मच 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा ना करें। थोड़ी थोड़ी दाल डालते जाएं और एकदम से नहीं पीसेगी, थोड़ी थोड़ी करके 2-3 भाग में इसको अच्छे से पीस लो। हमारी सारी दाल बहुत अच्छे से पिस गई है। मैंने इसको पीसने में सिर्फ 4 या 5 चम्मच पानी का उपयोग किया, इससे ज़्यादा उपयोग नहीं किया। ऐसी बिल्कुल थिक पेस्ट इसका बनाना है, नहीं तो फिर हमें सेकने में और ज़्यादा मेहनत लगेगी। अब मैं इसके अंदर दाल बनाते समय, बर्फी बनाते समय इसमें मावा का यूज़ करूँगी, जो ये 250 ग्राम है। हमारी दाल भी 250 ग्राम है, मावा भी 250 ग्राम है, और ये घी 3/4 कटोरी है। तो 1 चम्मच घी इसी में से ले लें और पैन में डाल दें। और सबसे पहले हम मावा को सेक लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ में उपयोग करो मावे का तो हमेशा उसको सेक कर करो, जिससे उसकी हमारी किसी भी बर्फी लड्डू सबकी लाइफ बढ़ जाती है। मावे को बिल्कुल सुपर सॉफ्ट रखने के लिए 1 कड़छी दूध भी इसमें डाल दें, इससे मावा बिल्कुल सुपर सॉफ्ट रहता है और बर्फी में बहुत अच्छा टेस्ट देता है। मावा बहुत अच्छे से सिक गया, इसको एक ट्रे में निकाल लेते हैं, फिर इसी पैन में हम अपनी दाल बनाएंगे। अब उसी सेम पैन में हमारा ये नापा हुआ घी इसको डालते हैं। घी गर्म हो गया, अब इस बर्फी को बेस देने के लिए सबसे पहले हम इसमें 2 चम्मच बारीक वाली सूजी और 2 चम्मच बेसन इसको सेक लेते हैं, फिर इसी के साथ ही हम दाल को सेक लेंगे। अब बर्फी में बेसन और सूजी दोनों अच्छे से सिक गए हैं। 5 मिनट्स तक मैंने इनको लो फ्लेम पर अच्छे से सेक लिया। अब ये जो हमने पेस्ट बना के रखी है दाल की, इसको सारा डाल दें और फिर इसको लो फ्लेम पे हम इस दाल को अच्छे से सेकेंगे। मिनट से लगातार मैं इसको लो फ्लेम पर सेक रही हूँ। अब ये थोड़ी दाल खुलनी शुरू हुई है, अभी इसको 15-20 मिनट और लगेंगे।
हमारी दाल बहुत अच्छे से सिक गई है। अब हम चाशनी बनाएंगे, वो भी एक दाल की। चाशनी बनाने के लिए 3/4 कटोरी चीनी स्वादानुसार, 1/4 कटोरी पानी। अब हम इसकी एक दाल की चाशनी बनाते हैं। एक तार की चाशनी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। अब हम सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। इसमें एक कुटी हुई छोटी इलायची, केसर वाला दूध, थोड़ा सा दूध केसर लेके मैंने उसको गर्म दूध में भिगो दिया, वो भी डाल दें। और ये जो मावा हमने सेक के रखा हुआ इसको भी डाल दें। और अब डाल दें इसमें ये चाशनी और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अभी ग्रीस के हुए टिन में अब मैं इसको शिफ्ट करूँगी। बर्फी को मैंने बहुत अच्छे से सेट कर दिए। अब मैं इसको थोड़े से पिस्ता से गार्निश करूँगी। हमारी शानदार मूंग दाल बर्फी बनकर तैयार है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बर्फी सेट हो गई है, अब मैं इसकी कटिंग करूँगी।